हेलो गाइस, आई एम वैशाली केकान फ्रॉम डोपामीन और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वीएलएसआई टेक्नोलॉजी। वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में हम लोग डिफ्यूजन डिस्कस कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने काफ़ी चीज़ें डिफ्यूजन में डिस्कस कर ली हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस आर देयर एंड यू हैव टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट एंड देन यू कैन कम टू दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन प्रोफाइल। इसके लिए लास्ट वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर हमने फिक्स लॉस डिस्कस करे थे। मैंने दो कंडीशंस डिस्कस करी थी, कांस्टेंट सोर्स एंड द लिमिटेड सोर्स केस, राइट? सो वो वीडियो ध्यान से देख कर आइएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डिफ्यूजन प्रोफाइल, देखेंगे कॉन्स्टेंट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का केस, देन द लिमिटेड सोर्स डिफ्यूजन और विच इज कॉल्ड एज गॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द गॉजियन डिफ्यूजन। इसके बाद लास्ट में देखेंगे विच आर द पैरामीटर्स विच अफेक्ट डिफ्यूजन प्रोफाइल, कौन से पैरामीटर्स डिफ्यूजन प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या देखना है, कॉन्स्टेंट सोर्स डिफ्यूजन, लिमिटेड सोर्स डिफ्यूजन डिटेल में। सो डिफ्यूजन प्रोफाइल, व्हाट इज डिफ्यूजन प्रोफाइल? डिपेंडेंट अपॉन द बाउंड्री इक्वेशन द फिक्स लॉ हैज टू टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बाउंड्री कंडीशन पे डिपेंड होकर फिक्स लॉस दो टाइप के सॉल्यूशन देता है। ये जो दो सॉल्यूशन है इससे हमें पता लगता है कि कैसे जो सॉल्यूट है, जो इम्प्योरिटी एटम्स है, वो हमारे सबस्ट्रेट के अंदर मूव कर रहे हैं। कितना मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे, डिपेंड्स अपॉन द बाउंड्री कंडीशंस, राइट? सो फिक्स लॉ से मैंने आपको बताया था, फिक्स लॉ से हमें क्या पता लग रहा है, मैथमेटिक्स पता लग रहा है कि कितने डेप्थ पे कितने एटम्स होंगे इम्प्योरिटी के, वो हमें फिक्स लॉ से पता लग रहा है। ये जो सॉल्यूशन है ये हमारे को दो टाइप की इम्प्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। फर्स्ट इज कॉन्स्टेंट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज लिमिटेड सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्स्टेंट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन को फॉलो करता है, ईआरएफसी को फॉलो करता है। लिमिटेड सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन गॉजियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो करता है। अब कॉन्स्टेंट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पर आए, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन पर डिपेंड करता है। ये एक इम्प्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पर इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन जो सेमी कंडक्टर सर्फेस पर है उसे कॉन्स्टेंट लेवल पर मेंटेन रखते हैं थ्रू आउट द डिफ्यूजन साइकिल। इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन, अगर मैंने एन टाइप की इम्प्योरिटी रखी तो वो भी कॉन्स्टेंट रहेगी, पी टाइप की इम्प्योरिटी रखी वो भी कॉन्स्टेंट लेवल पर रहेगी। सो एन ओ कॉमा टी जीरो कॉमा टी इज एन डैश विच इज कॉन्स्टेंट, सो इम्प्योरिटी कंसेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है। द सॉल्यूशन टू द डिफ्यूजन इक्वेशन इज एप्लीकेबल इन दिस सॉल्यूशन इज मोस्ट इजिली ऑब्टेन्ड बाय द फर्स्ट कंसिडरिंग डिफ्यूजन इन साइड अ मटीरियल इन विच इनिशियल कंसेंट्रेशन चेंजेस इन द सेम प्लेन एज एक्स इज इक्वल टू जीरो फ्रॉम एन डैश टू जीरो। हम ऐसे सरफेस, ऐसे मटेरियल को कंसीडर करते हैं जहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन सेम प्लेन में x इज इक्वल टू जीरो पे चेंज होती है एंड डैश से जीरो तक। सो इस कंडीशन को लेकर, एंड डैश से जीरो तक अगर हमारी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, उस कंडीशन को लेकर हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। और कॉन्स्टेंट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। सो एन जीरो कॉमा टी इज एन डैश विच इज अ कॉन्स्टेंट एंड एन एक्स कॉमा टी इज जीरो, राइट? ये दो कंडीशंस लेते हैं। कांस्टेंट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में अब आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की तरह रिड्यूस कर रहा है, राइट? अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम ले लूं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए अगर मैं डोपिंग करूं, तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट केस में ऐसे डिफ्यूजन होएगा, सेकेंड केस में डिफ्यूजन कुछ ऐसे होएगा, थर्ड केस में कुछ ऐसे होएगा और फोर्थ केस में कुछ ऐसे होएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन सेम रहेगी इन ऑल ऑफ द केसेस, कितना भी टाइम ले ले इनिशियल कंसंट्रेशन विल बी सेम, क्योंकि कांस्टेंट सोर्स है, इनिशियली जितना रखा है उतना ही कांस्टेंट सोर्स है, कितने भी टाइम के बाद आप कंसीडर कर लें। सो कांस्टेंट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो डिफ्यूज्ड इम्प्योरिटी टाइप अगर डिफरेंट है फ्रॉम द रेजिस्टिव टाइप ऑफ सबस्ट्रेट मटीरियल, अगर इम्प्योरिटी डिफरेंट है सबस्ट्रेट मटीरियल से, तो एक जंक्शन फॉर्म होता है एट द पॉइंट वेयर द डिफ्यूज्ड इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू द बैकग्राउंड कंसंट्रेशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट। तो जंक्शन फॉर्म होता है उस पॉइंट पर जहां पर डिफ्यूज इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन इक्वल है बैकग्राउंड कंसंट्रेशन के। सो जो बैकग्राउंड कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट के अंदर ऑलरेडी है। अगर मोनोलिथिक आईसी की बात करें तो कॉन्स्टेंट सोर्स डिफ्यूजन कॉमनली यूज फॉर आइसोलेशन एंड फॉर एमिटर डिफ्यूजन, क्योंकि इससे हम एक हाई सरफेस कंसंट्रेशन मेंटेन कर सकते हैं। जब भी हमें क्या बनाना है, एमिटर डिफ्यूजन करवाना है, आइसोलेशन बनाना है, तो हम कॉन्स्टेंट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। क्यों? क्योंकि सरफेस कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है, डोपेंट को कंटिन्यूअसली हम यहाँ पर डाल रहे हैं, जिससे सरफेस कंसंट्रेशन डोपेंट की ज्यादा है, ज्यादा डोपेंट पेनिट्रेट करेगा और एमिटर में
क्योंकि हमें एमिटर में ज्यादा डोपेंट चाहिए, डोपेंट कंसेंट्रेशन एमिटर के अंदर ज्यादा होती है, तो यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। एक अपर लिमिट होती है कंसेंट्रेशन की, इम्प्योरिटी के कंसेंट्रेशन की एक अपर लिमिट रहेगी, उस अपर लिमिट को हम एकोमोडेट करते हैं एट द सेमी कंडक्टर वेफर एट सम टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इस अपर लिमिट को एकोमोडेट किया जाता है। जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन है वो बताता है कि सरफेस कंसेंट्रेशन कितना होएगा कॉन्स्टेंट सोर्स डिफ्यूजन में, और इससे ही हमें सॉलिड सॉल्युबिलिटी पता लगती है, राइट। जो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन हमने सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, डोपेंट का मैक्सिमम कंसेंट्रेशन सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, उससे ही हमें कॉन्स्टेंट सोर्स डिफ्यूजन के बाद सरफेस का कंसेंट्रेशन पता लगता है। सरफेस, दिस सरफेस कंसेंट्रेशन, जब हमने कॉन्स्टेंट सोर्स डिफ्यूजन करा है, मैक्सिमम कंसेंट्रेशन लिया है, उसे सॉलिड सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, राइट। अब आ जाते हैं लिमिटेड सोर्स डिफ्यूजन पे, जिसे गॉशियन डिफ्यूजन भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी इंट्रोड्यूस की जाती है। जैसे कि कांस्टेंट सोर्स में हम क्या करते थे, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी हमेशा बनी रहती थी यहाँ पर सरफेस के ऊपर, लिमिटेड सोर्स में क्या करेंगे, एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे और उसके बाद इसे कंज्यूम करने के लिए छोड़ देंगे। कंज्यूम होते होते धीरे धीरे इम्प्यूरिटी का लेवल कम होता जाएगा। तो ये जो डिफ्यूजन है दो प्रोसेस स्टेप में किया जाता है। फर्स्ट इज प्री डेपोजिशन स्टेप। प्री डेपोजिशन स्टेप में फिक्स नंबर ऑफ इम्प्यूरिटी एटम्स आर डिपॉजिटेड ऑन द सिलिकन वेफर ड्यूरिंग अ शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम के लिए फिक्स नंबर ऑफ इंप्यूरिटी एटम, यहां पर फिक्स नंबर ऑफ इंप्यूरिटी एटम शॉर्ट टाइम के लिए डिपॉजिट किए गए। उसके बाद ड्राइविंग स्टेप आता है, इसमें क्या होएगा, इंप्यूरिटी सोर्स को टर्न ऑफ कर देंगे, सोर्स से इंप्यूरिटी अब नहीं आ रही है, अब इसके बाद सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड है फर्स्ट स्टेप में ये डिफ्यूज करेगी सिलिकॉन वेफर के अंदर विद द हेल्प ऑफ हीट। सो अब दोनों डिफ्यूजन टेक्निक्स के बीच में डिफरेंस देखें तो एरर फंक्शन डिफ्यूजन कौन सा था, कॉन्स्टेंट सोर्स डिफ्यूजन। गॉशियन डिफ्यूजन क्या है, लिमिटेड सोर्स डिफ्यूजन। सो एरर फंक्शन डिफ्यूजन में जो सरफेस कंसंट्रेशन है वो कॉन्स्टेंट है, ये एक स्टेप जंक्शन की तरह मॉडल किया जाता है, राइट। जो हाइट है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट, एक स्टेप की तरह रहेगा, उसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट, स्टेप जंक्शन की तरह। अगर गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, गॉशियन डिफ्यूजन की बात करें, तो सरफेस कंसंट्रेशन डिकेज विद टाइम, और जो इसको कैसे लिखेंगे, सरफेस कंसंट्रेशन ऐसे लीनियरली डिके करता जाएगा, इट्स अ लीनियर ग्रेडेड जंक्शन। पैरामीटर्स विच अफेक्ट डिफ्यूजन प्रोफाइल, कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे डिफ्यूजन प्रोफाइल अफेक्ट होती है। फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्युबिलिटी। सॉलिड सॉल्युबिलिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम जो कि रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए, इट इज लेस देन द डिफ्यूजेंट सॉलिड सॉल्युबिलिटी। डिफ्यूजेंट की सॉलिड सॉल्युबिलिटी से कम होता है, राइट। डिफ्यूजन टेम्परेचर क्या है, हायर टेम्परेचर पर हमें थर्मल एनर्जी ज्यादा मिलती है। अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा रहेगी ड्यू टू द डिफ्यूज्ड इम्प्यूरिटीज। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट इज क्रिटिकली डिपेंडेंट अपॉन द टेम्परेचर। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो जो डिफ्यूजन टेम्परेचर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, क्योंकि डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट चेंज हो जाएगा, डिफ्यूजन टेम्परेचर चेंज होएगा, राइट। सो नाउ सॉलिड सॉल्युबिलिटी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इट्स अ the number of atoms per unit volume required by the specific profile which is less than the diffusant solid solubility. Solid solubility से ज़्यादा atoms लिए तो हमारे पास errors आने लगेंगे, right? So एक particular amount का हमारे पास dopant है वो अंदर diffuse हो जा रहा है substrate के, but अगर हमने उस solubility limit से भी ज़्यादा ले लिया तो there will be no use of it, right? So जो temperature profile है diffusion furnace की, much have higher tolerance of टेम्परेचर वेरिएशन ओवर इट्स एंटायर एरिया, क्योंकि अब हमें पता लग चुका है कि टेम्परेचर पर डिफ्यूजन प्रोफाइल बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो जो भी हम फर्नेस लेंगे उसमें जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा वेरी नहीं करना चाहिए। थर्ड इज डिफ्यूजन टाइम। डिफ्यूजन टाइम इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन और डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों का सेम इफेक्ट होगा जंक्शन डेप्थ पे। ज़्यादा टाइम के लिए डिफ्यूजन करेंगे तो डेप्थ ज़्यादा होगी, डिफ्यूजिविटी ज़्यादा होगी तो डेप्थ ज़्यादा होगी। लिमिटेड और कॉन्स्टेंट सोर्स डिफ्यूजन की इक्वेशन से हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन में जो नेट कंसंट्रेशन होगी वो इंप्यूरिटी कंपनसेशन की वजह से डिक्रीज हो जाएगी। इंप्यूरिटी कंपनसेशन होएगा और नेट कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी एंड इट कैन इवन अप्रोच जीरो विद इंक्रीजिंग डिफ्यूजन ट्यून। जो डिफ्यूजन कंसंट्रेशन है, द नेट कंसंट्रेशन है, वो इवन इट कैन रिड्यूस टू जीरो। कॉन्स्टेंट सोर्स के लिए जो नेट इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन है
वो डिफ्यूज साइड पीएन जंक्शन के स्टेडी इंक्रीज होती जाएगी, इट विल बी हैविंग अ स्टेडी इंक्रीज विद टाइम। अगर सरफेस क्लीन नहीं है, सरफेस पे डिफेक्ट है, तो उस चीज का भी डिफ्यूजन प्रोफाइल पर इफेक्ट आएगा। जो सिलिकॉन सरफेस है उसको प्रिवेंट करना है कॉन्टेमिनेशन के अगेंस्ट, डिफ्यूजन के दौरान कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं होने चाहिए जिससे कि कुछ यूनिफॉर्मिटी में इश्यू नहीं आए। अगर डिफ्यूजन प्रोफाइल डिफ्यूजन को ऑब्जर्व करें, डिफ्यूजन प्रोफाइल को ऑब्जर्व करें एंड उस समय डिफ्यूजन के समय वी हैव सम कंटेमिनेंट्स, तो उसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी में इश्यू आएंगे इन द डिफ्यूजन प्रोफाइल। कुछ क्रिस्टल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कि डिसलोकेशन और स्टैकिंग फॉल्ट, इनकी वजह से भी लोकलाइज्ड इम्प्यूरिटी कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब इन सब इफेक्ट्स की वजह से हम देखते हैं कि देर इज अ डिग्रेडेशन ऑफ जंक्शन करेक्टरिस्टिक्स, जंक्शन की करेक्टरिस्टिक्स डिग्रेड कर रही है। सिलिकॉन क्रिस्टल मस्ट बी हाईली परफेक्ट। सो दीज आर द रेफरेंसेस, दीज आर वेरी अमेजिंग बुक्स एंड यू कैन रेफर दीज बुक्स। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड ऑल्सो गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक। एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस द नोट्स, नोट्स आर प्रेजेंट इन आर मोबाइल ऐप, लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड आई होप यू आर गोइंग टू मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड मीट मी सून।